बोल रहे हैं कि वहां के दोनों एमएलए इसमें हैं और वहां जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तथाकथित लोग जो वहां के लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नारायण झा जो वहां का एमएलए है उसके घर से उसके फार्म हाउस से उसको गिरफ्तारी हुई है और ये पूरे बकायदा एक सोची समझी साजिद के तहत हुआ है और वो भी विनोद नारायण झा। हाँ जी, ये लुका छुपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं जिस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोड़ों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा उस परिवार का, एक चश्मो चिराग बचा है, पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पेड़ में मोच भी आ जाती है तो पूरे का पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पेड़ में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई, एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन लाके देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान झारा एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार सबसे बड़ा पत्रकार संघ राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे मेरे साथ आप लोगों का कोई रवा अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया हो। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। और कल हम लोग बेनीपट्टी महमदपुर जाके आए हैं, वहां पे परिवार के सभी परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया, उनकी शैक्षणिक उनकी पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी करने सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है उसमें करनी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिश रचे हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करनी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छुपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं जिस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो जो एमएलए खुद आईपीएस एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है वो लोकल एमएलए उसके उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इस नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करनी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे कल, तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे,
दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही है। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको मारने गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथड़ियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंखों बाहर निकालिया जाता है और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से? हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं उनकी, कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 1562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है? एक मुट्ठी चने के लिए पटक पटक के तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है, आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है? क्यों, कहां गए वो नुमाइंदे, कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी, कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे बबलू जैसे एमएलए ही है बोल रहे हैं? मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला वो करनी सेना उसके लिए खड़ी है, किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले पूरे देश में पद्मावत में पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है एक साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में पूरे शहर में उबदर मचा देती है, लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई, ये करनी सेना ही अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये करनी सेना ही अनुशासन है। और ये अनुशासन कालू साहब की देन है, हमारे खून में वो बहते हुए उस रक्त की देन है जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई भी अगर कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर घोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम करता है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने के लिए मरने का काम लिया।